हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ परिवार मैं हूं मोनिका पाल और आप बच्चों मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेकंड तो स्टूडेंट्स हमने अपने सब्जेक्ट में पहला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है पहला चैप्टर के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैंने कहा था क्योंकि एग्जामिनेशन में से बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं तो इसमें हमने अभी तक जो हमारा एसी थ्योरी चैप्टर है चैप्टर का नाम है ए थ्योरी यानी प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत तो प्रत्यावर्ती धारा के सिद्धांत में हमने बहुत सारी छोटी छोटी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमने अभी तक कवर कर ली जैसे कि सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यानी प्रत्यावर्ती धारा क्या है ए क्या है इसको हमने बहुत बेसिक से शुरुआत की और बताया कि ऑल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है फिर इसके साथ और जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसका ज्या जो प्रवृत्ति होती है यानी साइड नेचर वो किस तरह से होता है और इसमें हमने ये भी देखा कि किस तरीके से हम प्रत्यावर्ती राशियों को यानी कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ को वेव फॉर्म के रूप में और इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं यानी समीकरण के रूप में और साथ साथ इनके वेव फॉर्म यानी तरंग रूप के प्रकार से भी हम इसको समझा सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका हमने बाद में पढ़ा कि जो भी हमारी ये राशियाँ होती हैं प्रत्यावर्ती राशि यानी कि ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज इन ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को हम फेज़र डायग्राम यानी सदिश आरेख की सहायता से भी प्रदर्शित कर सकते हैं और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है मैंने बताया था एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किस तरीके से प्रत्यावर्ती राशि को फेजर आरेख यानी फेजर डायग्राम के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं ये मैंने आपको बता दिया इसके अलावा कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो एग्जामिनेशन में अक्सर पूछ ली जाती है हालांकि कम पूछी गई हैं लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप ये सारी ही शब्दावली को सारी टर्मिनोलॉजी को ज़रूर पढ़ें बहुत आसान है छोटी छोटी एक एक लाइन की डेफिनेशन है और आप देखेंगे ना जब प्रीवियस ईयर के आप कुछ क्वेश्चनस उठा के देखेंगे जो एनुअल एग्ज़ाम में जो पहले ही एनुलअल एग्जाम के क्वेश्चन पेपर कुछ सेमिस्टर एग्जाम के पेपर होंगे तो आप उनमें देखेंगे कि छोटे छोटे टर्म्स पूछे गए हैं जैसे कि आवृत्ति क्या होती है फ्रीक्वेंसी क्या है टाइम पीरियड आवर्तकाल क्या होता है इसके अलावा एवरेज वैल्यू का क्वेश्चन भी पूछा गया है कि औसत मान क्या होता है आर एम एस मान यानी कि वर्ग माध्यम मूल मान क्या होता है ये छोटे छोटे डेफिनेशन जो हैं ये छोटी हैं और बहुत इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है मैं कहूँ तो आपको याद करने में कुछ परेशानी नहीं होगी तो ये हम आपको करा चुके हैं इसके अलावा हमने आपको और भी कुछ डेफिनेशन और कुछ फैक्टर्स आपको बताए थे जैसे कि फॉर्म फैक्टर क्या होता है पीक फैक्टर क्या होता है ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आप फॉर्म फैक्टर पीक फैक्टर की डेफिनेशन जरूर देख लें मैक्सिमम वैल्यू और आर वैल्यू के बीच का संबंध एवरेज वैल्यू और आर वैल्यू का संबंध ये छोटी छोटी कुछ रिलेशन है उनको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन हम वन बाय वन आपको क्लियर करते चल रहे हैं और आ, मैंने आपको फेज़र डायग्राम बनाना भी बता दिया था कि किस तरीके से आप ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को एक फेज़र यानी सदिश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं कि किस तरीके से जैसे ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी हमारी कोणीय वेग से लगातार घूमती है उसी तरह से हमने उसके जब फेज़र को घुमाया तो वो वेव फॉर्म के इक्विवेलेंट हो गया था ये चीजें हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अब इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था वो बहुत इम्पॉर्टेंट मैं इसलिए कह रही हूँ बच्चों क्योंकि इसके क्वेश्चन लगातार आए हैं आप प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर देखेंगे ना जब एनअल सिस्टम था हमारे बी में तब भी सेमिस्टर सिस्टम लागू हुआ तब भी हर बार जरूर इनमें से एक क्वेश्चन पूछा गया है क्या क्वेश्चन कि डिफरेंट टाइप के अल्टरनेटिंग सर्किट्स हो सकते हैं यानी प्रत्यावर्ती परिपथ कई प्रकार के हो सकते हैं और मैंने बताया था किसके आधार पर लोड के आधार पर, पर। यानी प्रत्यावर्ती परिपथ में किस प्रकार का लोड कनेक्टेड है उसके आधार पर प्रत्यावर्ती परिपथ कई प्रकार के हो सकते हैं ठीक है अब इनमें ना प्रीवेसर के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्यों इम्पॉर्टेंट बता रही हूँ क्योंकि पिछले आप जो क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे ऑब्जर्व करेंगे तो हर एक ईयर के क्वेश्चन पेपर में हर एक सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर में इन सर्किट से क्वेश्चन जरूर जरूर पूछा गया है क्या क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि जो डिफरेंट हमारे अल्टरनेटिंग सर्किट्स हैं यानी विभिन्न प्रकार के जो प्रत्यावर्ती परिपथ हैं इन प्रत्यावर्ती परिपथों में वोल्टेज और धारा का क्या संबंध है ये पूछा गया है मैंने आपको बताया था सर्किट कई प्रकार के हो सकते हैं जैसे कि शुद्ध प्रतिरोधी शुद्ध संधारित्र शुद्ध प्रेरणिक है ना यानी प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटिव और प्योर रेजिस्टिव आप ये क्वेश्चन ना इस तरीके से भी आया बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि शुद्ध प्रतिरोध में वोल्टेज और धारा में संबंध बताइए तो शुद्ध प्रतिरोध कर संबंध बताइए की ही बात कर रहा है इसी तरह से पूछा गया है कि प्रेरक में वोल्टेज और धारा में संबंध बताइए तो दैट मीन ये प्योर इंडक्टिव में कह रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना ये कुल मिला के वही है इसके अलावा फिर इनके कॉम्बिनेशन भी दिए हुए हैं जैसे इनके कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और सी का कॉम्बिनेशन और आर एल सी तो आप जो भी पिछले पेपर देखेंगे ना इन सारे पेपर में ना छः के सर्किट मिल जाएंगे आपको यानी छः के टॉपिक जो है एक ना एक बार जरूर एग्जाम में पूछे गए हैं इसके अलावा और कैसे इनमें से क्वेश्चन पॉसिबल बन सकते हैं जैसे प्योर और प्योर जो कि आज हमारा भी पढ़ेंगे, प्योर में पढ़ेंगे वोल्टेज और धारा में कौन पढ़ेंगे? प्योर इंडक्टिव करंट में रिलेशन दैट मीन्स शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में वोल्टेज और धारा में संबंध आज हम पढ़ेंगे पिछली क्लास में मैंने आपको शुद्ध प्रतिरोधी यानी प्योर रेजिस्टिव करा दिया था ठीक है आपको समझ में आया होगा वो छोटा सा टॉपिक था कोई परेशानी उसमें नहीं थी कि हमने पढ़ा कि जो शुद्ध प्रतिरोधी होते हैं कि प्योर रेजिस्टिव हमारे होते हैं, प्योर में वोल्टेज और धारा एक दूसरे के फेज में होते हैं यह कह लीजिए वोल्टेज और धारा में कोई कलांतर फेज अंतर नहीं होता इसके अलावा आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर क्या होता है शून्य होता है फेज डिफरेंस क्या होता है जीरो इस कारण से हमने जो उसका फेजर डायग्राम बनाया था मैं यहाँ बना देती हूँ ये दूसरे पेन से बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए इसको तो देखिए ऐसे ये हमने बनाया था वोल्टेज का फेजर बनाया था ठीक है इसी के ठीक ऊपर हमने करंट का फेजर भी बनाया ये फेजर डायग्राम है इसी पे हमने वोल्टेज का फेजर बनाया था इसी के ठीक ऊपर हमने क्या बनाया धारा का फेजर यानी करंट का फेजर बनाया जो कि यह प्रदर्शित करता है कि वोल्टेज और करंट का फेजर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है यानी कि वोल्टेज और धारा में कोई कला अंतर फेज डिफरेंस नहीं है जब इसका वेव फॉर्म ड्रॉ किया तो वेव फॉर्म भी एक दूसरे के साथ साथ ही चलेंगे कैसे बनाए थे हमने अगर ये हमने वोल्टेज का बनाया है तो करंट का भी ठीक इसी के साथ साथ ऐसे ही चल रहा था ये मैंने डॉटेड से बना दिया ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए तो आप देख रहे हैं वोल्टेज और करंट का वे फॉर्म बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ ही चल रहा है यानी दोनों के जो मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल रहे हैं ये हमारा वी का मैक्सिमम वैल्यू है वी एम ये आई का मैक्सिमम वैल्यू है आई एम

नहीं है इसीलिए प्योर रेजिस्टिव के, के केस में शुद्ध प्रतिरोधी के, के केस में क्या होता है कि जो हमारी वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस होता है वो जीरो होता है या कह लीजिए कोई फेज डिफरेंस नहीं होता और इसका जो हम इक्वेशन बनाते हैं वी का हो जाएगा वी वी एम ओमेगा टी और आई का हो जाता है आई एम साइनोमेगा टी तो आप देख रहे हैं इक्वेशन से भी पता चल रहा है दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है इसका भी ओमेगा टी है और उसका भी ओमेगा टी है फेजर डायग्राम से भी पता चल रहा है वेव फॉर्म से भी पता चल रहा है दैट मीन्स प्योर रेजिस्टिव सर्किट में शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और धारा के बीच कोई फेज अंतर फेज डिफरेंस नहीं होता या कह लीजिए फेज डिफरेंस जीरो होता है अगर बात करें इसमें शक्ति की यानी पावर की तो पावर कंजप्शन क्या होता है वी इन आई तो जब दोनों के इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सिंपल फॉर्मूला आ जाता है वी इन आई जो कि इनकी क्या है आर एम एस वैल्यू ठीक है वी भी आर एम एस मान है और आई भी क्या है आर एम एस मान तो इसको तो फिलहाल ख़त्म करते हैं अपने टॉपिक पे आ जाते हैं आपने प्रीवियस क्लास में ये टॉपिक अच्छे से समझ भी लिया होगा जिन बच्चों को ये टॉपिक जिन्होंने नहीं अटेंड किया जो नहीं उसको देख पाए तो उनको मैं एडवाइस करूंगी कि ज़रूर वो हमारी प्रीवियस क्लास देख लें क्योंकि बेसिक से जब आप पढ़ना शुरू करते हैं ना वो हमारा बेसिक सर्किट है प्रत्यावर्ती राशि के परिपथ जो है उनमें पहला ही परिपथ हमारा शुद्ध प्रतिरोधी यानी प्योर रेजिस्टिव है तो आप उसको जरूर देख लें ताकि आपको आगे के सर्किट जो है समझने में आसानी Clear? तो आज फिलहाल अपने आज के टॉपिक पे आ जाते हैं हमारा आज का टॉपिक है शुद्ध प्रेरणिक परिपथ यानी कि प्योर इंडक्टिव मैं लिख देती हूँ हमारे सी बोर्ड वाले बच्चे भी जो है उनका भी विशेष ध्यान भाई रखना है उनको कैसे छोड़ सकते हैं तो ये है प्योर इंडक्टिव सर्किट तो ये प्योर इंडक्टिव सर्किट दैट मीन्स एसी सर्किट की ही बात हो रही है मैंने पूरा नहीं लिखा प्रत्यावर्ती परिपथ है अल्टरनेटिंग सर्किट तो हमने एक सिंपल सर्किट डायग्राम की हेल्प से इसको समझाने की कोशिश की है कि मान लीजिए कि कोई एक ऐसा परिपथ है जिसमें क्या लगा है इंडक्टर एल लगा है यहाँ पे मैंने एल बना दिया स्पेस की थोड़ी सी कमी थी

वोल्टेज सोर्स से जोड़ दिया जिसका जो इक्वेशन है वो है बी इक्वल्स टू बी एम टी। चूंकि जब हमने इंडक्टर को प्रत्यावर्ती विभव, कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जोड़ दिया तो इसमें क्या होगा सर्किट में एक करंट फ्लो होने लगेगा आप सभी जानते हैं कि यदि कोई सर्किट हो और सर्किट क्लोज सर्किट हो तो वोल्टेज लगाने पर उस सर्किट में करंट का फ्लो होने लगेगा तो ये तो स्वाभाविक सी बात है तो जब हमने वोल्टेज लगा दी इसके अक्रॉस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाया या कह लीजिए प्रत्यावर्ती विभव लगाया तो सर्किट में क्या प्रवाहित होगी धारा प्रवाहित होने लगेगी क्लियर

क्योंकि इंडक्टर एक ऐसा एलिमेंट है एक ऐसा मैं कह लूँ तत्व है कि जो कि धारा परिवर्तन का विरोध करता है इंडक्टर यानी कि प्रेरक एक पैसिव कंपोनेंट है यानी निष्क्रिय घटक है पैसिव कंपोनेंट या निष्क्रिय घटक जिसे कहते हैं जो कि क्या करता है सर्किट में धारा परिवर्तन का विरोध करता है यानी जब सर्किट में धारा का वैल्यू बढ़ेगा या सर्किट में धारा का वैल्यू घटेगा तो ये क्या करने लगता है उसको एनर्जी को स्टोर करने लगता है तो इसलिए इसका हम फॉर्मूला बनाते हैं वो है वी इजिकल्स टू एल डी आई बाई डी टी डी आई बाई का मतलब है धारा में परिवर्तन डी आई बाई का मतलब है धारा में परिवर्तन किसके संदर्भ में किसके रेस्पेक्ट में समय के रेस्पेक्ट तो यहाँ हमने वी की जगह क्या लिख दिया वी एम साइन ओमेगा टी और बाकी हमने एज इट इज उतार लिया अब जब हमने इस इसको हम इधर मल्टीप्लाई में ले गए एल को इधर डिवाइड में ले आए तो ये डी टी चला गया मल्टीप्लाई में चला गया यानी वी एम साइन ओमेगा और इनटू और एल कहाँ आ गया अपोन में तो हमारा इक्वेशन बन गया डी आई टू वी एम एल साइन ओमेगा ऐसा क्यों किया देखिए जब भी हम कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं हम कोई संबंध निकालते हैं या हम किसी फॉर्मूले को डेराइव करते हैं व्यंजक स्थापित करते हैं तो हमें स्टेप बाई स्टेप चलते हैं अब हमें यहाँ करना है क्या एग्जैक्टली exactly बच्चों हमें वोल्टेज और धारा में संबंध निकालना है अब हमें वोल्टेज तो पता है क्या है वीज बी एम साइनो में तो हमें दूसरी चीज क्या चाहिए करेंट चाहिए धारा चाहिए तो हम धारा को निकालना चाह रहे हैं इसलिए हमने क्या करा यहाँ डी को अकेला कर लिया बाकी एल और डी को इधर भेज दिया तो डी क्या चला गया मल्टीप्लाई में चला गया और एल क्या आ गया अपॉन में तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया डी आई इजिकल टू वी एम अपोन एल साइनोमेगा टी डी चूंकि ये क्या डिफरेंशिएशन का साइन है तो इसे हटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यानी समाकलन करना पड़ेगा तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे समाकलन करेंगे किसके संदर्भ में समय के संदर्भ में यानी टी के रिस्पेक्ट में क्लियर तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी मैंने यहाँ नहीं लिखा है आप लिख लीजिए By इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद respect टू टी ठीक है किसके संदर्भ में टी के संदर्भ में इसका इंटीग्रेशन करने पर तो जब हमने इंटीग्रेशन किया ये साइन गायब हो गया बाकी इस पूरे के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन हमने लगा दिया तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कांस्टेंट टर्म है ये तो बाहर आ जाएगी वी एम ओपोन एल और साइन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा माइनस कोस ओमेगा टी और ओमेगा टी का क्या आ जाएगा ओमेगा उम, हमारा अपॉन में आ जाएगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन आ गया जब हमने इसे फर्दर सॉल्व किया ओमेगा को इसके साथ मल्टीप्लाई में ले आए तो आई इजिकल्स टू वी एम ओमेगा एल और माइनस ओमेगा ओमेगा हमारा हो हो गया sin t 2, वो होता है ना 90 आपको याद तो उस तरह से हमने इसको कर दिया तो चूंकि हमने क्या निकाली आई की वैल्यू निकाल ली यहाँ पर आई का इक्वेशन हमारे पास आ गया लेकिन हमें क्या चाहिए मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए जब मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं तो ये पूरा टर्म क्या हो जाता है वन मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो साइन ओमेगा टी वाला टर्म होता है वो क्या होना चाहिए वन होना चाहिए तो मैं यहां पर मैंने लिखा है फॉर मैक्सिमम वैल्यू यानी अधिकतम मान के लिए ये पूरा क्या हो जाएगा वन हो जाएगा तो आई की जगह क्या हो गया अब आई क्योंकि क्या निकाल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू तो आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा वी अपॉन ओमेगा एल यानी हमने इसका अधिकतम मान भी निकाल लिया फिर से समझ लीजिए v इजिकल्स टू एल डी बा, आई बाई डी टी है तो v की जगह हमने क्या लिख दिया vm sin omega टी एल डी आई बाई डी टी और यहाँ पर हमने डी आई को अकेला कर लिया क्योंकि हमें धारा का समीकरण निकालना है तो डी आई को ले किया ये डी टी मल्टीप्लाई में चला गया एल अपॉन में आ गया तो इक्वेशन आ गया di आई इजिकल्स टू वी एम अपोन चूंकि डिफरेंशिएशन का यहाँ पर टर्म आ रहा है तो हमने क्या किया इंटीग्रेशन किया दोनों तरफ विद रेस्पेक्ट टू टी तो यहाँ पे साइन गायब हो गया आई हो गया और इस पूरे का इंटीग्रेशन हमने ले लिया इंटीग्रेशन लिया तो कॉन्स्टेंट टर्म हमारी बाहर आ गई साइन का माइनस को सोमेगा टी हो गया अपोन में ओमेगा तो हमारे वो फॉमूला बन गया आई इज गी एम साइन ओमेगा माइनस फाइव बाई टू अपोन ओमेगा एल ठीक है तो ये हमारे पास किसका धारा का समीकरण आ गया लेकिन ये धारा का जो मान आया हमारे पास करंट का जो वैल्यू आया ये कैसा आया ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी मान मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी भी अल्फाबेट को ऐसे लिख रहे हैं वी और आई, तो ये क्या है है इसके मान और अगर हम ऐसे करके लिख रहे हैं तो ये इसके क्या है मैक्सिमम मान है तो यहाँ पर आई जो आया दैट ये क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू आया मान आया तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू के लिए पूरा टर्म वन हो जाएगा तो I की जगह अब क्या हो गया आई एम हो गया और वी एम अपन ओमेगा l है ही तो हमारे पास जो इक्वेशन आई फाइनली वो यही तो आई ये वाली इसको यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिया I इज इक्स टू आई I equals to I I M sin omega t minus के pi by two तो आप देख रहे हो पहले इक्वेशन हमारे पास ये थी V की V की equation जो थी हमारे पास क्या थी जो हमने इस पे सप्लाई लगाई थी वो क्या थी ये थी तो वी का इक्वेशन क्या था वी इजिकल टू वी एम साइन ओमेगा टी और हमने जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला करंट का वो क्या है आई इजिकल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाइव बाई टू तो इक्वेशन से आपको दिख रहा है कि इसका एंगल क्या था ओमेगा टी और इसका एंगल क्या है माइनस ओमेगा के बाद माइनस फाइव बाई टू लिखा है तो फाइव बाई टू का मतलब क्या होता है नब्बे डिग्री यानी इसका जो एंगल है वो माइनस नब्बे है यानी धारा जो है वो वोल्टेज से नब्बे डिग्री पीछे है ठीक है इसकी क्वेश्चन से पता चल रहा है कि धारा जो है वो वोल्टेज से नब्बे डिग्री पीछे है यानी आप कहेंगे कि धारा वोल्टेज से कितना डिग्री नब्बे डिग्री या कह लीजिए पाई बाय डिग्री पाई बाय टू लैग करती है लैग मतलब हिंदी में लिखे पश्चिगामी तो धारा वोल्टेज से नब्बे डिग्री लैगिंग है यानी नब्बे डिग्री पश्चगामी है तो धारा का जो अधिकतम मान मिलेगा वो वोल्टेज से नब्बे डिग्री बाद मिलेगा लैग करने का मतलब क्या है पीछे रहना तो धारा जो है वो वोल्टेज से नब्बे डिग्री लैग करती है दैट तो मीन्स धारा का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा यानी करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो वोल्टेज के मैक्सिमम वैल्यू मिलने के नब्बे डिग्री अंश के बाद मिलेगा तो हमने इसको फेजर डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे दिखाया है तो आपको बताया था जब हमने फेजर डायग्राम बनाना सिखाया था कि किसी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी को आप किस तरीके से फेजर डायग्राम की मदद से बना सकते हो तो उसमें आपको मूवमेंट याद हो तो वो कैसा था एंटी क्लोक था यानी जो फेज़र घूम रहा था वो फेज़र कैसे घूम रहा था एंटी वाइज घूम रहा था यानी वाम दिशा में घूम रहा था तो अगर हमें लीडिंग और लैगिंग दिखाना हो तो आपको याद रखना है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में जो पहले आएगा वो लीड करता है और जो क्वांटिटी बाद में आती है वो लैग करती है आपको एंटी यानी ऐसे देखना है कि हमारी क्लॉक है और क्लॉक हमारी एंटी क्लोक डायरेक्शन ये होती है है ना मान लीजिए क्लॉक है तो एंटी क्लॉक ऐसे होता है ना तो एंटी क्लोक यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो क्वांटिटी होगी आपके उल्टे हाथ की तरफ बाई तरफ वो क्या होगी लीड करेगी और जो दाई तरफ होगी वो लैग करती ठीक है तो यहां पे हमने लिखा कि धारा वोल्टेज से नब्बे डिग्री पश्चगामी है देखिए इसको ना दूसरी तरह से भी लिखा गया होता है कुछ बुक में आप देखोगे इसमें ऐसे भी लिखा हो सकता है कि वोल्टेज धारा से नब्बे डिग्री लीडिंग यानी अग्रगामी है अब इन दोनों लाइनों को देखिए एक में मैंने लिखा है धारा वोल्टेज से नब्बे डिग्री पश्चगामी दूसरे में मैंने लिखा है वोल्टेज धारा से नब्बे डिग्री अग्रगामी है भाई बात तो एक ही है मैं कहूँ कि भाई तुम मुझसे एक किलोमीटर आगे हो या मैं कह दूं मैं तुमसे एक किलोमीटर पीछे हूँ बात तो एक ही हुई कि आप मुझसे हम दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है तो एक किलोमीटर ही भाई मैं कहना चाहती हूँ मेरा घर और आपका घर एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे है हालांकि सब बहुत दूर दूर से है और मैं बहुत दूर हूँ आपसे एग्जाम्पल okay, के लिए मैं कह रही हूँ कि आपका और हमारे घर के बीच का डिस्टेंस एक किलोमीटर मैं कहने लगूँ आपका घर एक किलोमीटर आ गया है या मैं कहूँ मेरा घर एक किलोमीटर पीछे बात तो एक ही है दैट मीन्स उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो वन किलोमीटर है तो यहाँ भी वोल्टेज और धारा के बीच जो एंगल है वो नब्बे डिग्री का है अब या तो आप कह लीजिए धारा वोल्टेज से नब्बे डिग्री आ गया है या आप कह लीजिए वोल्टेज धारा से नब्बे डिग्री आ गया है लेकिन अगर एक होता है ना कि एक सही बात तो कोई होगी तो सही बात तो ये वाली ज़्यादा है क्योंकि हम हमेशा वोल्टेज को रेफरेंस क्वांटिटी मानते हैं यानी जो वोल्टेज होती है उसको हम संदर्भ राशि मानते हैं और धारा को उसके अनुदेश हम देखते हैं कि वो कहाँ चल रही है तो रेफरेंस क्वांटिटी जहाँ हम देख पा रहे हैं वो क्या हो जाएगी वोल्टेज हो जाएगी तो हम वोल्टेज के रिस्पेक्ट में बताएंगे कि वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट लीड कर रही है तो वोल्टेज के रेस्पेक्ट में करंट क्या कर रही है तो यहाँ पर हमें वोल्टेज पहले और बाद में क्या मिल रही है धारा मिल रही है तो हमारा आप देख रहे हैं वोल्टेज और धारा के बीच का जो हमने एंगल बनाया है वो कैसा है नब्बे डिग्री है नाइनटी डिग्री का हमने डिफरेंस दिखाया है क्लियर तो यहाँ पर फेजर डायग्राम से साफ साफ पता चल रहा है दोनों के बीच का नब्बे डिग्री एंगल है बात कर लेते हैं इनके वेव फॉर्म की वेव फॉर्म में दोनों के मैक्सिमम वैल्यू के बीच का एंगल नाइन्टी डिग्री होना चाहिए तो जब आप वेव फॉर्म बनाएंगे तो वेव फॉर्म बनाते समय आपको ध्यान रखना है कि जो वेव फॉर्म हम बनाएंगे उनके बीच का एंगल आपको 90 डिग्री जरूर देखना दिखाना होता है कि हमारा 90 डिग्री एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं यहाँ पर दोबारा से आपको बना के दिखाती हूँ ये हमने एक वेवफॉर्म फॉर्म किसकी वोल्टेज की तो आप देख रहे हैं मैंने वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाया इसी पे हम क्या बना रहे हैं धारा का भी वेवफॉर्म बना रहे हैं ठीक है थीके? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वी एंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसी के साथ हमने क्या बनाना है हमें धारा बनाना है अब ये मिला यहाँ पर वी एम तो जो धारा मिलेगी वो इससे नब्बे डिग्री बाद तो वोल्टेज हमें कहाँ से मिलनी शुरू हुई यहाँ से यहाँ से मिलनी शुरू हुई ना तो करंट नब्बे डिग्री बात तो नब्बे कहाँ होता है यहाँ होता है पाई बाई टू जैसे कह लीजिए नब्बे डिग्री तो वोल्टेज का ग्राफ आप यहाँ से बनाने शुरू करेंगे करंट का सॉरी तो इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू मिला और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू मिला आई का उनके बीच का आप अंतर देखेंगे तो हमारा कितना हुआ ये नब्बे डिग्री था और ये कितना है एक सौ अस्सी डिग्री यानी पाई तो इनके बीच का अंतर कितना हुआ फाइव कितना हो गया नब्बे डिग्री ठीक है तो हमने दोनों क्वांटिटी का जब वे फॉर्म बनाया तो आप देख पा रहे हैं दूसरी क्वांटिटी जो है यानी करंट वोल्टेज से 90 डिग्री के एंगल पर लैग कर रही है यानी पश्चगामी है दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है नब्बे डिग्री क्लियर उसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट छोटा सा टॉपिक है और ये ना क्वेश्चन में पूछा भी गया है हमारा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं सारी चीजें आपको बता रही हूँ क्योंकि ये जो सब्जेक्ट uh, था ये हमारा जब एनुअल सिस्टम एप्लीकेबल था तब भी इसके क्वेश्चन पेपर कुछ है और सेमिस्टर सिस्टम में भी ये था तो उन सभी के बिहाफ भी मैं बता रही हूँ कि प्रीवियस जो पाँच छः सालों में जो पेपर है उनका एनालिसिस करके ये एक टॉपिक भी पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में यानी प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो शक्ति होती है पावर वो इजिकल्स टू जीरो होती। पावर वे इसका शून्य होता है तो इसका पावर का हम व्यंजक यहाँ पर निकालेंगे छोटा सा डेरिवेशन है तो आपको पता है पी इजिकल्स टू क्या होता है वी इन टू आई यहाँ पी जो है ये स्मॉल पी है यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पावर इजिकल्स टू क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वी यानी वी का ताक्षणिक मान गुणा इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ आई स्मॉल आई दिया यानी ताक्षणिक मान है

और भी का वैल्यू क्या है टी तो उसको इक्वेशन में हमने पुट किया हमने सॉल्व किया तो क्या आ गया माइनस वी एम आई एम बाई टू साइन ओमेगा टी लेकिन ये जो आया है ये स्मॉल पी आया है ठीक है ये स्मॉल पी आया लेकिन हमें क्या निकालना है एवरेज निकालना है स्मॉल पी क्या है इंस्टेंटेनियस वैल्यू यानी तात्क्षणिक मान और मैंने बताया था ताक्षणिक मान या इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है कि समय के किसी क्षण पर यानी किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो वैल्यू होती है वो हमारी इंस्टेंटेनियस वैल्यू होती है लेकिन हमें केवल इंस्टेंटेनियस वैल्यू थोड़ी निकालनी है हाँ एवरेज पावर का क्वेश्चन आएगा कि औसत शक्ति शून्य है तो एवरेज पावर निकालने के लिए हमें चूंकि एवरेज पावर निकालनी है तो हमने क्या कर दिया इसका इंटीग्रेशन कर दिया फ्रॉम ज़ीरो टू टू पाई है ना क्योंकि मिनिमम वैल्यू क्या होती है जीरो से टू पाई का साइकिल होता है ना हमारा फुल साइकिल एक संपूर्ण चक्र में औसत मान जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा लिमिट जीरो से टू पाई तो जब हमें इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो का टू क्या आता है जीरो दैट मीन्स शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में औसत शक्ति व्यय शून्य होता है एवरेज पावर क्या होती है हमारी जीरो होती है इसको आप नोट डाउन कर लीजिए ठीक है तो अभी तक बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हमने इसमें पढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने कहा कि एक तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में यानी शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में हमारा वोल्टेज और धारा में संबंध बताइए यानी रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि बताइए या सिद्ध कीजिए कि शुद्ध प्रेरण प्रेरक में या प्रेरणिक परिपथ में औसत शक्ति जो होती है यानी एवरेज पावर जीरो होती है तो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ से कवर हो जाएंगे ठीक है स्टूडेंट्स तो बस आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं आज की क्लास में हमने पढ़ा कि शुद्ध प्रेरणिक परिपथ में यानी कि प्योर इंडक्टर सर्किट में ये कह लीजिए किसी इंडक्टर में जो हमारी वोल्टेज और धारा का संबंध है वो क्या होता है और इसमें जो औसत शक्ति होती है यानी एवरेज पावर वो जीरो क्यों होती है ये भी हमने सिद्ध कर लिया तो अगली क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि प्योर कैपेसिटिव सर्किट यानी शुद्ध संधारित परिपथ में वोल्टेज और धारा का क्या संबंध है और उसमें भी हम शक्ति यानी पावर का कैलकुलेशन करना सीखेंगे तो स्टूडेंट्स बस आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी जानते हैं कि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है जे ई सी सेमिस्टर क्लासेस तो आपको इस पर सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएंगी और आप दिए गए नंबर पर भी हमसे संपर्क कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो और हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन जय ही क्लासेस मेरठ के नाम से प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जिस पर आपको मल्टीपल फैसिलिटी एक ही प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है तो अपने साथियों दोस्तों को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए तो चलिए स्टूडेंट्स आज की क्लास बस यहीं पर ख़त्म करते हैं अगली क्लास में आपसे जल्दी मिलेंगे जय हिंद जय भारत